आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो हर जेईई एस्पिरेंट के रास्ते में अक्सर आती हैं। जेईई की तैयारी का सफर तो एक कठिन रास्ता होता है, लेकिन इस रास्ते में जो हर्डल्स आती हैं वो कुछ खास होती हैं। तो चलिए साथ में निकलें इस जर्नी पे और देखेंगे वो मेजर प्रॉब्लम जो अक्सर हर जेईई एस्पिरेंट अपनी लाइफ में फेस करता है। ये रही मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय जेईई एस्पिरेंट। स्टे ट्यून्ड क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे सॉल्यूशन भी इन चैलेंजेस का। जेईई एस्पिरेंट्स के लिए जो सफर है वो नॉट जस्ट एजुकेशनल जर्नी बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन मेजर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो एस्पिरेंट्स को रास्ते में मिले होते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस इसी लाइन को सोच के मैं भी निकल गया अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। ऐसी प्रॉब्लम्स जो मैं भी फेस कर रहा हूँ और शायद तुम लोग भी फेस कर रहे होगे, जिसमें सबसे पहले आती है कंसिस्टेंसी। और अक्सर मुझे भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए फिर मैं चला गया गूगल पे एंड मैंने सीधा टाइप कर दिया कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। फिर मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। रियलिस्टिक गोल सेट करें, शेड्यूल बनाएं, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, स्टे पॉजिटिव। तो क्या इन सबसे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि तुम्हें भी पता है बोलना आसान है और करना बहुत मुश्किल। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ कि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को थोड़ा बहुत भी मेंटेन कैसे किया है, क्योंकि मेरी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि पर डे अपने टारगेट्स बनाऊं, जैसे कि तुम देखते ही होगे और शायद तुम लोग भी बनाते होगे। लेकिन तुम लोग भी देखते होगे कि मैं कभी अपने टारगेट्स को ऐसा नहीं बनाता फिर करने हैं 10 घंटे स्टडी करनी है, 12 घंटे स्टडी करनी है। नहीं, ये तब पॉसिबल है जब तुम डेली अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हो। अगर तुम्हारी बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं है और तुम अभी तक कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले स्टेप है कि तुम्हें छोटे से स्टार्ट करना है। मतलब तुम अपने गोल सेट करो कि तुम्हें आज सिर्फ 2 लेक्चर कंप्लीट करने हैं या 1 लेक्चर कंप्लीट करना है या 3 लेक्चर कंप्लीट करने हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर जैसे ही तुम्हारे वो टारगेट्स कंप्लीट हो जाए एंड देन उसी के बाद अगर तुम्हें टाइम बचता है तो तुम फिर और टारगेट्स बनाओ, उसको कंप्लीट करो। और अगर नहीं हो पाता है तो दूसरे दिन ट्राई करो और वैसे ही अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ एंड देन उसको कवर करो। तो इससे तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और तुम अगर ऐसे ही करते करते 7-8 दिन भी हो जाएंगे, फिर तुम्हारी रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी बनती चली जाएगी। सबसे मेजर प्रॉब्लम बैकलॉग्स। बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करें? तो जब मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसमें सबसे ज्यादा कमेंट यही होते हैं कि बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करें। मेरे 170 लेक्चर का बैकलॉग है, मेरे 200 लेक्चर का बैकलॉग है, मेरे 50 लेक्चर का बैकलॉग है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे पहले तो तुम ट्राई करो कि तुम ये सब छोड़ दो कि तुम्हारे बैकलॉग्स भी हैं। अगर तुम्हारे इतने बैकलॉग्स हैं, तुम अपने माइंड से निकाल दो कि तुम्हारे बैकलॉग्स भी हैं। मतलब तुम ये सोचो ही नहीं कि हमारे बैकलॉग्स हैं, तुम ट्राई करो कि मुझे तो आज से रिकॉर्डेड लेक्चर ही लेना है और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही लेता हूँ। तो फालतू में बर्डन लो, क्योंकि तुम्हारे बैकलॉग्स तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे अगर तुम्हारा इतना है। तो फिर तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, लेकिन जब तुम्हारे इतने बैकलॉग्स होंगे तुम कैसे भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्ट्रेस लेना छोड़ दो और सोचो कि मैं तो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा बैकलॉग 1-2 चैप्टर का ही है, तो तुम ट्राई करो कि तुम लाइव क्लासेस भी अटेंड करो। लेकिन लाइव क्लासेस वहां से अटेंड करना जहां से तुम्हारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा हो, और फिर 2-3 घंटे निकालो दिन में, उसमें तुम बैकलॉग्स का कवर कर सकते हो। इन 2-3 घंटों में तुम्हारा 1-2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे बैकलॉग्स ही, जिससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा क्योंकि तुम्हारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं और तुम्हारा बैकलॉग्स का भी पार्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और अब बात आती है कि डेली बेसिस पे रिवीजन कैसे करें। और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि मैं भी डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं कर पाता हूं। और मैंने काफ़ी सर्च किया इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर देना कि डेली बेसिस पे रिवाइज कैसे करें, क्योंकि तुम्हें पता है कि लेक्चर्स भी लेना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। एंड अब बात आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक तुम मोटिवेट नहीं रहोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं मोटिवेट कैसे होता हूं? तो वही मैं आज तुम्हें बताऊंगा। जब मैं थोड़ा डाउन फील करता हूं, तो मैं ये लाइंस को पढ़ लेता हूँ जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तुम भी ध्यान से सुनना, शायद तुम्हें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी कभी
हम सब थोड़े डाउन फील करते हैं, पर याद रखना हर चुनौती एक नया मौका है। आज जो भी है वही आपका फाउंडेशन है कल के सफर का। तुम्हारे अंदर एक अनंत शक्ति है, एक पैशन है, बस उसे अनलैस करना है। लाइफ एक एडवेंचर है और तुम उस एडवेंचर के हीरो हो। हर कदम हर संकट एक नया सीखने को मौका देता है। कभी कभी थोड़ा सा रुकना भी जरूरी है, पर हार नहीं, क्योंकि हार तब होती है जब हम लड़ना बंद कर देते हैं। तो खड़े रहो, हौसला बुलंद रखो। रिमेम्बर, हर एक दिन नया चैप्टर है तुम्हारी लाइफ का। आज काम करो, कल के रिजल्ट खुद ही अमेजिंग होगा। तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता तुम क्या कर सकते हो। हर दिन एक नई बिगनिंग है, एक नई पॉसिबिलिटी। सो वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। यू आर अनस्टॉपेबल, इनक्रेडिबल एंड पावरफुल बियॉन्ड मेजर। सो जो भी करो पैशन से करो। सक्सेस का मजा तब आता है जब उसमें प्यार और डेडिकेशन होता है। तुमसे बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम यूनिक हो। तो चलो अपने सपनों की फुर्सत में निकलो, आगे बढ़ो, हार ना मानो, क्योंकि तुम बॉर्न टू विन हो। बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि तुम एक रॉक स्टार हो। सुन, आज तेरा दिन है, तू जो भी चाहे कर सकता है। हर एक दिन एक नया मौका है, एक नया एडवेंचर है। कभी हार नहीं मानना, क्योंकि तू एक फाइटर है। चैलेंजेस आएंगे, पर उनको फेस करना सीखो। हर सेटबैक एक सेटअप है तेरी सक्सेस का। तेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। हर कदम उठा, हर मुश्किल को अपना दम पे पार कर। तेरी जिंदगी तेरी मर्जी। खुद को पहचानो, अपने इरादों में पक्का भरोसा रखो। अंदर से आवाज आए, यस आई कैन, क्योंकि तू कर सकता है, तू डिजर्व करता है। आज से अपने लिए जीना सीखो। तेरे सपने तेरे ही हैं, उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। सोच हाई रखो, ऑप्टिमिज्म बनाओ और अपने को लव करो। तू यूनिक है, तू स्पेशल है, दुनिया तेरा इंतजार में है। गो एंड कॉन्क्योर, क्योंकि तू एक चैंपियन है। बस आज के लिए इतना ही।